हेलो गाइस, हम लोग मनाली चल रहे हैं ट्रिप पे। आज अपना घर है, यहाँ से निकलेंगे, अपनी गाड़ी है इसे चलेंगे, घूमेंगे, मस्ती करेंगे। आप लोगों को पूरी वीडियो दिखाऊंगा। हाय गाइस, हम लोग मनाली जा रहे हैं घूमने। रास्ते में लखनऊ क्रॉस कर लिए हैं, काफ़ी रात हो गई है, रात के लगभग 11:30 बज रहे हैं। हम लोग यहाँ ढाबे पर रुके हुए हैं, देसी ढाबा है खाना खाने के लिए। और कोई ढाबा दिख नहीं रहा था क्योंकि काफ़ी आउटसाइड में हम लोग की गाड़ी चल रही है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये हाईवे पीछे से हम लोग का, जिससे हम लोग उधर जा रहे हैं। ये ढाबा है हम लोग का, पनीर ढाबा, जिस पर हम लोग खा रहे हैं खाना। ये हम लोग की प्लेट लग गई है। ये हाईवे है जिससे हम लोग की गाड़ी जाएगी अभी। सो गाइस, हम लोगों ने फिलहाल खाना खा लिया है, अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे आगे के लिए। बहुत ही रात हो चुकी है, हमारे ड्राइवर साहब अभी बाहर हैं, अभी आएंगे, फिर हम लोग की गाड़ी निकलेगी यहाँ से प्रस्थान। फाइनल रात के 3 बज गए हैं, हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। रास्ते में रात भर गाड़ी चली है, मैं तो सो गया था, चलते चलते थक गए हम लोग, हमारे ड्राइवर भी थक गया है। तो हम लोग यहाँ पर रुक कर रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग एक रेस्टोरेंट है, छोटा सा ढाबा है, यहाँ पर हम लोग चाय पियेंगे। उसके बाद कुछ देर बाद यहाँ से चलेंगे। सुबह के लगभग 3 बज रहे हैं अभी, तो हम लोग आधे रास्ते भी नहीं पहुंचे हैं। मनाली के लिए टूर जा रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सुबह के 3 बज रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं। हम लोग पूरा चलते चलते यहाँ तक आ गए हैं। अभी यहाँ से दिल्ली लगभग 150 किलोमीटर बचा हुआ है, उसके आगे भी अभी हम लोग को जाना है। चलिए अभी आप लोग करेंगे।
हरियाणा पहुंच गए हैं और यहाँ पर एक ढाबे पर रुके हुए हैं। रात भर चलते चलते सुबह चलते चलते दोपहर हो गई है, लगभग 12 बज रहे हैं दोपहर के। और हम लोग यहाँ पर एक ढाबे पर रुके हुए हैं, कुछ नाश्ता पानी करेंगे, कुछ खाए पियेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत दूर चलने के बाद ये ढाबा मिला है। हाईवे पे हम लोग चल रहे थे, कहीं पर कुछ दिख नहीं रहा था, ना ही रेस्टोरेंट ना ही होटल ना ही ढाबा। ये हाईवे है हरियाणा की, पानीपत की, सॉरी लोग पानीपत में अभी हरियाणा के। यहाँ पर ढाबे पर रुके हुए हैं और यहाँ पर अभी कुछ खाए पियेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। हम लोग की गाड़ी खड़ी हुई है, ढाबे पर खाना खाएंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। हाईवे है, इसी हाईवे से हम लोग जा रहे हैं। ये रेस्टोरेंट है, इस रेस्टोरेंट में हम लोग खाना खाएंगे। अभी चल रहे हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है, खाना खाते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, आप लोगों को आगे का सीन दिखाएंगे। गाइस हम लोग पहुँच गए हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर बारिश बहुत भयंकर वाली हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आप लोग कितनी जबरदस्त बारिश हो रही है। डिस्कनेक्ट कर दिया अपन, पहाड़ों की बारिश, वादियों का मजा, बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ पे देखने में। पूरा पानी अंदर आ जा रहा है। सो हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। हम लोग कल रात को हिमाचल पहुंच गए थे और रात में यहाँ पर रुके हुए थे इस रूम में, यहाँ पर पूरी रात हम लोग रुके थे। उसके बाद अब सुबह हो गया है तो हम लोग उठे हैं और आइए आप लोगों को बाहर का व्यूज दिखाते हैं, कैसे बाहर है हिमाचल का व्यू। तो हिमाचल की मॉर्निंग गाइस कुछ ऐसी दिखती है। हम लोग सुबह सुबह उठ गए हैं और बहुत ही अच्छा प्यारा मौसम है सुहाना यहाँ का, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से, बहुत ही आनंद आ रहा है यहाँ पे। आप लोग यहाँ पर एक बार घूमने जरूर आए। अभी हम लोग आगे भी चलेंगे, मनाली का वे है ये, इसी वे से जाना है हम लोग को, काफ़ी मज़ा आने वाला है आज। कल तो पूरा दिन ख़राब हो गया था, बारिश हो रही थी, लेकिन आज बारिश नहीं हो रही है तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है हम लोगों को घूमने में। तो गाइस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं आगे के लिए, आप लोगों को पूरा रास्ता दिखाते हुए चलेंगे। आज बारिश नहीं हो रहा है, आज काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है यहाँ पे। हम लोग अब यहाँ से निकलने वाले हैं, सुबह सुबह ही हमारी गाड़ी तैयार है, हम लोग अब अपना बैग रखेंगे और यहाँ से निकलेंगे। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, मज़ा आने वाला है। डिग्गी खोलो यार, ये देखिए डिग्गी नहीं खोल पा रहे हमारे प्रेम भैया। भाई हम लोग की गाड़ी ख़राब हो गई है, मतलब ख़राब नहीं हुई है, बस थोड़ा हीटिंग प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं सही करवाने के लिए। क्या कहते हैं, बिलासपुर से मनाली रोड जा रही है, हम लोग रुके फिर रात भर वहाँ पे आके, जहाँ होटल पे ये मंडी है बिलासपुर की, तो यहाँ पर अभी बात हुआ है, तो ये VM सर्विस स्टेशन है इस रोड पे, यहाँ पे हीटिंग प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा, तो यहाँ पे हम लोग गाड़ी अपना दिखाएंगे, उसके बाद गाड़ी हम लोग की सही होगी तो फिर हम लोग मनाली के लिए निकलेंगे आगे। आइए देखते हैं, अभी फिलहाल सर्विस सेंटर बंद है, अभी खुलने वाला है, खुलेगा ये, फिर हम लोग बनवाएंगे गाड़ी अपनी। गाड़ी बाकी सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा सा हीटिंग प्रॉब्लम है, पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते लगातार कंटिन्यू 26 से 28 घंटे चलने के बाद गाड़ी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है। तो अगर आप लोग भी मनाली जा रहे हैं और कोई प्रॉब्लम आती है तो इस सर्विस सेंटर पर आप लोग एक बार आ सकते हैं। तो गाइस हम लोग की गाड़ी बन गई है, सुबह से लेकर हम लोग अभी तक परेशान थे, 8:30 बजे से लेकर अभी को शाम के 5:30 बज रहे हैं और अभी को हम लोग की गाड़ी बन गई है, फिलहाल ठीक हो गई है एकदम अच्छे से। पहले जिस शॉप पर रुके थे वहां पर हम लोग का काम नहीं हुआ, वहां पर 2 बजे हम लोग छूटे, उसके बाद भी हम लोग की गाड़ी नहीं बनी, फिर वहां से हम लोग आगे शोरूम था लगभग 6 से 7 किलोमीटर आगे, फिर हम लोग वहां पर आके अपनी गाड़ी सही करवाया, यहां पर भी 2 से 2.5 घंटे लग गए। अब यहां से हम लोग निकलेंगे सीधा, रेस्ट करेंगे आज के दिन, अब तो कहीं घूम नहीं पाएंगे। तो आप लोग कल वाला ब्लॉग जरूर देखिएगा। अब हम लोग फिलहाल हिमाचल कुल्लू पहुंचने वाले हैं, आप लोगों को अपना ब्लॉग कुल्लू से ही दिखाएंगे, ये वाला ब्लॉग यहीं तक रहेगा। आप लोग आगे देखने के लिए वीडियो देखिएगा, सारी चीज़ें अच्छे से आप लोगों को दिखाएंगे, एक ही ब्लॉग में सब कुछ नहीं मैनेज हो सकता है, इसलिए अभी बस रास्ते भर का ही ब्लॉग है, ये फर्स्ट ब्लॉग है हम लोगों के हिमाचल टूर का। गाड़ी बन गई है फिलहाल, शोरूम पे आए थे हम लोग, चलिए ठीक है। नेक्स्ट ब्लॉग जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग एकदम अच्छे से ब्लॉग को देखते रहिए।